फाइनली आरबीआई ने अनाउंस कर ही दिया कि 50 रुपये के नए नोट आ जाएंगे मार्केट में बहुत ही जल्दी। और इस नोट के बारे में कुछ डिटेल में बता दूं आपको कि ये जो नोट आएगा ये फ्लोरोसेंट ब्लू कलर में होगा। इस नोट पे एक साइड गांधी जी की तस्वीर होगी जबकि दूसरी ओर कर्नाटक के हम्पी के रथ की तस्वीर होगी। 50 रुपये के इस नए नोट पे जो अभी के अपने गवर्नर हैं उर्जित पटेल जी, उनका तो हस्ताक्षर होगा ही। नोट के सामने वाले हिस्से पर अंकों में 50 लिखा होगा, साथ ही देवनागरी में भी 50 लिखा हुआ रहेगा। नोट के बीच में गांधी जी की तस्वीर होगी और महीन अक्षरों में आरबीआई तथा भारत व इंडिया और 50 लिखा होगा। नोट के सुरक्षा धागे पर भारत और आरबीआई अंकित होगा और इसके दाहिने हिस्से पर अशोक स्तंभ बना होगा। साथ ही गांधी जी की तस्वीर और 50 का वाटरमार्क भी होगा। दोस्तों, नोट के पिछले हिस्से में बाईं ओर नोट के प्रिंटिंग का साल भी लिखा रहेगा। हिस्से में नए 2000 के और 500 रुपए के नोट की तरह इसमें भी स्वच्छ भारत का लोगो व नारा तथा लैंग्वेज पैनल और हम्पी के रथ की तस्वीर होगी। साथ ही पिछले हिस्से में देवनागरी लिपि में भी 50 लिखा होगा और नोट का साइज जो है दोस्तों वो है 66x135 mm का होगा। तो दोस्तों, आप अपने वॉलेट को तैयार कर लीजिए, उन्हें बोल दीजिए कि भाई एक और नया दोस्त तुम्हारे साथ आने वाला है 50 रुपए का नोट। और दोस्तों, एक और चीज ध्यान रखना है, इस बार तू बिल्कुल ही उस पर मत लिखना कि सोनम गुप्ता बेवफा है। ओके, बाय बाय।